पुलिस वाले क्यों तंग करते हैं? तंग करते रहते हैं, इधर खड़ी ये है वो है, पीछे तंग किया मेरे को, रात को ले गए 8,700 रुपया मेरा उधर रख लिया। कौन आपको ले गया? मेरे को पीछे वो उतरंगी खड़ा था ना कल। अच्छा। कल दिन में 2 बजे ले गए, आज 2 बजे छोड़ा था, 8,700 रुपया रख लिया। थाने में रह कर आए रात को? 8,700 रुपया इस्लामाबाद पुलिस ने आपसे रात को ले लिया। ले लिया 12 घंटे आपको थाने के अंदर रखा। थाने के अंदर रखा सर। जुर्म कोई नहीं था? ना कोई जुर्म नहीं था भाई। आप सच बोल रहे हैं? सही, बिल्कुल इंशाल्लाह ये सही बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। जी वाला साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? नहीं, शटरिंग का काम करते हैं, जो भी मजदूरी मिल जाती है करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। रोज़ा रखा हुआ है आपने? रखा हुआ है। सारे रोज़े रखे? सारे रोज़े। नमाज भी पढ़ते हैं? जी नमाज भी पढ़ते हैं। दिन में गर्मी होती है शदीद, आप मेहनत मजदूरी कैसे रखते हैं, करते हैं रोज़ा रखे? सवेरा जो है सर की खा चले जाते हैं, 10 बजे चार शक्ति मुड़ के वापस आ जाते हैं बस। अच्छा, फिर सारा दिन आप क्या करते हैं? वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं या इधर थोड़ा बैठ जाते हैं आगे इधर बस। घर है आपका अपना? जी मेरा घर मन से इधर नहीं है, यहाँ नहीं। यहाँ किस जगह पर रहते हैं? यहाँ मैं शोर मोड़ रहता हूँ, रिहायशी वो ब्रांड में, एक मालक का ब्रांड उसने ब्रांड दिया हुआ सब। यहाँ पर सब रहते हैं। पनागाह में क्यों नहीं रहते? पनागाह में रहते लेकिन अभी थोड़ा खुला होता है, सुकून होता है, आवाज चलती है बस, अपने मजे से आराम से रात को आते हैं बस, लेट जाते हैं। अच्छा। हाँ, कितने कोई रुपये कमा लेते हैं दिन में? सर वह कभी 1,000 हो जाता है, कभी 500 हो जाता है, कभी नहीं होता, हफ्ते में कभी 2-2 हफ्ते भी रोजगार बैठे रहते हैं। तो जब नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? कुछ दुकान खाने वाले से उधार से ले, बच्चों को खाना फुलाना वो तो होता है, वो तो आप निजाम देखते हैं, किसी से कर्जा ले लिया, किसी से दुकान वाले से उधार कर लिया, ये तो ये फसलता कर लेते हैं। तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं आपने? नहीं मांगा। इसके क्यों नहीं मांगा? अल्लाह ने मंगाया बस, अल्लाह ने मंगाया। यहाँ इस्लामाबाद में वक्त कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है, अफसारी हो रही है रोजे की बड़ी, सभी भी कराते हैं कोई अच्छे लोग। अच्छा। सभी लोग यहाँ पर आपको सहरी और अफतारी करवाते हैं? कराते हैं, मेरे को कराते हैं सभी, और आम नहीं जस्तदारी वाले बाबू साहबों को सभी कराते हैं, कभी कभी चाय पिलाते हैं। एहसास है लोगों के अंदर? एहसास है, एहसास। ईद आ रही है, बच्चों के लिए आपने कुछ लिया अभी तक? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं लिया बस। क्यों नहीं लिया? बस इतनी जेब की गुंजाइश ही नहीं है अब महंगाई के दौरान में। बच्चे तो मांगेंगे कपड़े? मांगेंगे, अब क्या करें, देखें जैसे कहीं से पैसे आ गए, ऐसे बच्चे मेरा ये काम कर रहेगा, जिसके हाथ में पैसे आ गए बना रहेगा छोटे भाइयों के लिए। अच्छा जी। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। जाते हैं छोटे बच्चे मेरे, 5 स्कूल पढ़ रहे हैं। उन्हें पढ़ाना चाहते हैं? जी वो शौक है मुझे, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ बस। पढ़कर वो अफसर बने? बस अफसर नहीं, इतना वो आपने तालीम रोड में निकल के वो थोड़ा काम काज कर सके। हाँ काम काज कोई भी मजदूरी कर सकेंगे। अच्छा। समझो उनकी रोशनी खुल जाएगी, यानी उनको हर किस्म की मालूमात हो जाएगी। अच्छा। तालीम से किसी गली की गाड़ी का नाम। जिंदगी के 55-60 साल कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे बस, ऐसे ही बराबर ये लाते हैं अपनी मजदूरी के बाद। सबसे अच्छा दौर कौन सा था? सर अच्छा दौर उस टाइम से देखे, जिस टाइम हम शादी नहीं की थी, शादी से पहले वालद का दौर था वो अच्छा था। अच्छा, शादी से पहले अच्छा दौर था? हाँ वो अच्छा ही और दौर था, जो वालद का सारा सेल में जो भी काम था वालद का। शादी के बाद क्यों बुरा हुआ? वो ऐसा हो गया जो करते 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 जिस टाइम महंगाई के दौरान जैसे आते आते और जो फंसते फंसते बस जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई बस। पूरी की या नहीं की? बस की, अल्लाह ने की, अल्लाह करता रहे हमारी की। घर वाले खुश हैं आपसे? खुश हैं। क्या चाहते हैं कि क्या आपके पास ऐसा हो जिससे आपके बच्चे आप सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बस सर ऐसा तो वही है, आजकल लोग पैसे में साथ करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं चलो जैसा आपने के सामने है सही है, है तो पैसों के साथ पैसा होगा तो ही बच्चे आप खुश हो गए ना। कब तक काम करते रहेंगे? बस अभी तो नहीं काम कर सकता, अभी चौकीदारी वाला काम कर सकता हूँ, अभी चौकीदारी कर सकता हूँ, अभी मजदूरी नहीं कर सकता। अच्छा जी, चौकीदारी कहीं नहीं मिल गया, चौकीदारी कर सकता हूँ। तो पहले मेरे इस्लामाबाद में यहाँ पर आप बाहर बैठे रहते हैं, मामलात कैसे हैं, कोई मसला परेशानी? नहीं कोई भी नहीं परेशानी, अच्छे में इधर पिछोर मोड़ में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। वहाँ इधर उधर निकल होती है। अच्छा। पुलिस वाले तंग करते हैं, पिछोर मोड़ में कोई नहीं करता। पुलिस वाले क्यों तंग करते हैं? तंग करते रहते हैं, इधर खड़ी ये है वो है, पीछे तंग किया मेरे को, रात को ले गए 8,700 रुपया मेरा उधर रख लिया। कौन आपको ले गया? मेरे को पीछे वो उतरंगी खड़ा हुआ था ना कल। अच्छा। कल दिन में 2 बजे ले गए, आज 2 बजे छोड़ा था, 8,700 रुपया रख लिया। थाने में रह कर आए रात को? तो मेरे को बोला आपने क्या जुर्म क्या किया था? बस यहाँ खड़े तू भी मांग रहा है, मेरे को बोलते मैंने बड़ा भी मांगा। आपको उन्होंने कहा कि आप भीग मांग रहे हैं? हाँ भीख मांग रहे हैं, तो इसलिए हमने उठाते हैं। आपकी सफेद दाढ़ी, आपने भीख मांगी कभी? बस वो उठा कर ले गए, उनके बोले वो तो डरे ना, तो उनको तो बोलना पड़ा। फिर उनसे पैसे आपकी जेब में कितने रुपए थे? मेरे को 8,700 रुपया था। अब कितने? अभी से मेरे को 50 रुपये एक आदमी दिया जी शाम को। 8,700 रुपया इस्लामाबाद पुलिस ने आपसे रात को ले लिया। ले लिया 12 घंटे आपको थाने के अंदर रखा। थाने के अंदर रखा सर। जुर्म कोई नहीं था? ना कोई जुर्म नहीं था भाई। आप सच बोल रहे हैं? नहीं सही, बिल्कुल इंशाल्लाह ये सही बोलेंगे। मेरे साथ 3-4 आदमी और भी थे। इस्लामाबाद इंतजामिया अगर ये वीडियो देख रही है, इन इन अंकल को देखें, इनकी उम्र 60 साल है, सफ़ेद दाढ़ी है, मजदूरी करते हैं ये, लेकिन इसके बावजूद
रात को पुलिस ने इन्हें यहाँ खड़े होने के जुर्म में कि आप भीख मांग रहे हैं, खड़े होने के जुर्म में 8,700 रुपया इनसे पुलिस ने ले लिया और वापस ये यहाँ पर हैं 12 घंटे गुजारने के बाद। नहीं था, पीछे इशारे से उठाया, जी टेन के इशारे से। वजह कोई नहीं बताई? कोई वजह नहीं। क्या मुतालबा करते हैं शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, उनसे क्या मुतालबा है? अच्छा सर, वो इसने भी इस्तीफा बहुत अच्छा काम किया है, महंगाई नहीं हुई, बराबर काम चलता रहा। मुझे ये बताएं कि आपसे 8,700 रुपया पुलिस ने लिया, आप इस्लामाबाद इंतजामिया आईजी साहब, डीसी साहब और शहबाज शरीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे बस हमारा ये गरीब आदमी कोई हाल करते हैं, बस और क्या कहना चाहेंगे। तंग ना किया जाए, तंग ना किया करें बस। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है?